दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही अच्छा सीसीटीवी कैमरा लेके, जो ये रहा। ओ ये नहीं है, ये रहा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या मैं बल्ब दिखा रहा हूँ। जी हाँ, ये बल्ब है, लेकिन ये वाला बल्ब नहीं है, ये सीसीटीवी कैमरा है। देखिए, देखने में एकदम बल्ब जैसा है, लेकिन कैमरा रहा सामने। ये बहुत ही अच्छा एक सीसीटीवी कैमरा है जो दिखने में बल्ब जैसा होता है, तो इसको आप एज ए स्पाई कैम भी यूज़ कर सकते हैं। लोगों को लगेगा कि ये बल्ब है, लेकिन ये वीडियो रिकॉर्डिंग करता रहेगा। इसमें अगर आप मेमोरी कार्ड डाल देंगे तब ये ऑटोमेटिकली वीडियो रिकॉर्डिंग करता रहेगा एनी टाइम। इसमें लाइट भी जलता है, यहाँ पे लाइट्स है, मतलब ये लाइट भी हो गया और कैमरा भी हो गया। इस कैमरा में स्पीकर भी है, माइक भी है, आप चोर से बात कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर के लोगों से बात कर सकते हैं। साथ ही इसमें जो स्पीकर है उसमें सायरन बजता है। जब भी आपके घर पे कोई चोर घुसेगा तब इससे एक सायरन बजेगा। तब सोचिए चोर का हालत क्या होगा। और इसका एक ऐप मिलता है जिसके सहायता से आप अपने मोबाइल फोन से इसके वीडियोस को लाइव देख सकते हैं। ये ऑफलाइन भी काम करता है और ऑनलाइन भी काम करता है, मतलब इससे वाईफाई निकलता है, तो उससे आप अपने स्मार्टफोन पे इसका लाइव वीडियो देख सकते हैं और मोबाइल फोन पे रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इसको इंटरनेट से जोड़ देंगे, ऑनलाइन कर देंगे, तो इसके वीडियोस को आप दूसरे स्टेट से भी देख सकते हैं। मतलब अगर ये कैमरा आप अपने दुकान पे लगा देंगे तो घर से देख सकते हैं, ऑफिस पे लगा देंगे तो घर से देख सकते हैं, घर को ऑफिस से, ऑफिस को घर से, और डिस्टेंस का कोई लिमिट नहीं रहेगा। जब ये ऑनलाइन हो जाएगा, जब इसको इंटरनेट से आप जोड़ देंगे, तब आप अमेरिका से आप इंडिया के घर को देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कैमरा है और इसका दाम बहुत ज़्यादा नहीं है, इसका दाम है 1500 रुपीज़। लेकिन जो सेलर होते हैं वो लोग कभी कभी प्राइस इंक्रीज कर देते हैं। जो भी हो, इसको खरीदने का बेस्ट वे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आप खरीद सकते हैं। तो आज मैं इस कैमरा का फुल डेमो देने वाला हूं, इसको इंस्टॉल करके आपको मोबाइल फोन पे दिखाने वाला हूं। तो सभी कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसके बॉक्स पैकेजिंग को। तो ये रहा बॉक्स, यहाँ पे लिखा है देखिए पैनारोमिक कैमरा। उसके बाद यहाँ पे ऐप के लिए क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन गूगल प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। तो चलिए इसको करते हैं अनबॉक्सिंग। तो ये देखिए, ये हो गया कैमरा। उसके बाद नीचे ये हो गया उसका होल्डर, स्क्रूज, यूज़र मैनुअल और सेलर का कॉन्टैक्ट नंबर। तो बॉक्स में इतना ही है, तो कैमरा को देख लेते हैं। तो ये देखिए, देखने में एकदम बल्ब जैसा है। तो जो लेंस है यहाँ पे है, देखिए ये हो गया लेंस। यहाँ पे स्पीकर है, रिसेट का होल है और माइक है, और यहाँ पे लाइट जलता है। तो ये लाइट का भी काम करता है और कैमरा का भी काम करता है। तो ये वाला हिस्सा नीचे रहेगा, ये हो गया साइड का हिस्सा। यहाँ पे क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके आप इसको अपने मोबाइल ऐप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एकदम सिंपल सा डिजाइन है, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ होल्डर पे यहाँ पे लगाना है आपको, और इस होल्डर को आपको सीलिंग पे लगाना है, और यहाँ पे आपको पावर देना पड़ेगा 220 वोल्ट का। तो चलिए अभी इसको सेटअप करते हैं और इसको इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले इसमें एक माइक्रो SD कार्ड डालेंगे। तो ये रहा माइक्रो SD कार्ड। तो यहाँ पे देखिए माइक्रो SD कार्ड लगाने का ऑप्शन है, तो यहाँ पे माइक्रो SD कार्ड को डालना है। मैं डाल रहा हूँ 32 GB का, ये मुझे 10 दिन का वीडियो रिकॉर्डिंग देगा। तो मैंने कार्ड डाल दिया है। तो उसके बाद जो होल्डर मिला था वो तो है ही साथ में, और होल्डर में कनेक्शन करने के लिए आपको वायर्स चाहिए होगा, और वायर्स में पावर देने के लिए एक प्लग पॉइंट चाहिए होगा, और ये रहा एक स्विच बोर्ड, और एकदम आखिर में आपको चाहिए होगा एक स्मार्टफोन इसके वीडियोस को देखने के लिए। तो चलिए सबसे पहले इस वायर में इस प्लग को लगा लेते हैं ऐसे, और इस होल्डर को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए मैंने इस वायर पे प्लग और होल्डर को लगा लिया है। तो अभी इसमें बल्ब को कनेक्ट कर देता हूँ, सिर्फ घुमाना है और ये लग जाता है। ये एक्चुअली सीलिंग पे चला जाएगा, मैं दिखाऊंगा आपको इंस्टॉल करके। तो अभी इस बल्ब में पावर देंगे। अभी देखिए बल्ब में एक रेड लाइट जल रहा है, और इसमें से अभी कुछ आवाज़ें आएंगे, वॉइस कमांड्स आएंगे। देखिए एक बार लाइट जला, तो सुना आपने, इसने बोल दिया है सिस्टम इज स्टार्टिंग। तो और भी वॉइस कमांड्स आएंगे अभी। तो देखिए ये जो लाइट है वो ब्लू हो गया है, और इसने बोला है एक्सेस पॉइंट इज रेडी, मतलब अभी ये सेटअप के लिए रेडी है। तो अभी आपको अपना स्मार्टफोन लेना है और वहाँ पे आपको एक ऐप डाउनलोड करना है। तो ऐप का नाम है V380 Pro, जो आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। तो ये रहा ऐप का इंटरफेस, यहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, आप बिना रजिस्टर करे ट्राई भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गया है ऐड डिवाइस, तो वहाँ पे क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले इस कैमरा से जो वाईफाई निकल रहा है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए इस स्मार्टफोन का वाईफाई को ऑन करेंगे, उसके बाद वाईफाई सेटिंग्स पे जाएंगे। तो अवेलेबल नेटवर्क्स पे ये दो कैमरा है, एक्चुअली बाहर पे मैंने अलग से कैमरा लगाया है, उसका वाईफाई दिख रहा है, और नीचे कुछ तो शर्म करो ये दूसरे का वाईफाई है। तो इस कैमरा का जो वाईफाई है वो आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो इसका जो
डिवाइस आईडी है उसको देखना पड़ेगा। ये देखिए 5487947, तो इसका जो वाईफाई है ऊपर वाला है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे तो देखिए कनेक्ट हो गया है, मतलब इस कैमरा से जो वाईफाई निकल रहा है इस मोबाइल पे कनेक्ट हो गया है। तो चलिए चलते हैं ऐप पे, तो अभी चलेंगे ऐड डिवाइस पे, उसके बाद वाईफाई स्मार्ट कैमरा ऐड डिवाइस आईडी। तो यहाँ पे आपको डिवाइस आईडी डालना पड़ेगा, तो मैंने डिवाइस आईडी डाल दिया है, तो यहाँ पे करेंगे कन्फर्म। उसके बाद इस कैमरा का एक नाम देना पड़ेगा, मैं दे रहा हूँ लिविंग रूम। उसके बाद करेंगे फिनिश। तो देखिए यहाँ पे कैमरा आ गया है, इसको क्लिक करने से आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक पासवर्ड सेट करने के लिए बोला है, नहीं तो क्या होगा, इसका फुटेज को आपके पड़ोसी भी देख लेंगे, तो इसीलिए एक पासवर्ड सेट कर लीजिए, मैं भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड सेट कर लिया है मैंने, तो अभी करेंगे कन्फर्म। तो अभी कैमरा कनेक्ट हो गया है, अभी इसका आप लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं। तो ये देखिए इसका प्रीव्यू आ गया है, जो कि ये फिश आई कैमरा है इसलिए ये राउंड दिख रहा है। इसको आप फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं, तो अभी ये फुल स्क्रीन मोड पे आ गया है, और आप इसको जूम भी कर सकते हैं, तो देखिए अभी ये जूम हो गया है। उसके बाद आप इसको दाएं बाएं करके रोटेट करके देख सकते हैं, चारों तरफ के कोनों को आप देख सकते हैं। और साथ ही इस कैमरा में एक फायदा है, ये चारों एंगल का निगरानी करता है, और आप इस ऐप में चार स्क्रीन कर सकते हैं। चलिए आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको जाना है, देखिए यहाँ पे 4 बॉक्स है, वहाँ पे जाना है, उसके बाद डिस्प्ले मोड में जाना है, उसके बाद यहाँ पे जो 4 बॉक्स है उसमें क्लिक करना है। तो देखिए अभी ये स्प्लिट हो गया है 4 स्क्रीन पे, मतलब कैमरा एक है लेकिन आप यहाँ पे 4 अलग अलग कोनों को सेट कर सकते हैं अपने मर्जी के हिसाब से। तो आपको अलग से 4 कैमरा का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एक कैमरा से ही आप एक रूम का चारों कोनों का निगरानी कर सकते हैं। तो अभी आपको इस ऐप का फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे रिकॉर्ड का ऑप्शन है, तो इसको अगर दबा देंगे तो आपके मोबाइल पे इसका वीडियोस रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा वायरलेसली, मतलब वाईफाई से अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो आपका मोबाइल बन जाएगा एक DVR। तो अभी अगर चोर इस कैमरा को चुरा के ले भी जाए, फिर भी आपके मोबाइल पे आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे। तो अभी इस कैमरा में जो रिकॉर्ड हुआ है उसको देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा रिप्ले में, और इसमें जो माइक्रो एसडी कार्ड लगा हुआ है उसका भी रिकॉर्डिंग आप यहां से देख सकते हैं। उसके बाद यहां पे स्नैपशॉट का ऑप्शन है, आप यहां से चोर का फोटो भी खींच सकते हैं, और ऊपर में देखिए यहां पे माइक का सिंबल है, इसको प्रेस करके आप चोर से बात कर सकते हैं, चोर को डांट के भगा सकते हैं, साथ ही आप अपने घर के लोगों के साथ बात कर सकते हैं। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूं। हेलो हेलो हेलो, कैमरा पास है इसलिए इको हो रहा है, जब दूर में होगा तो पूरा क्लियर आएगा। तो इस कैमरा में भी माइक है, तो उससे इसका वीडियो और ऑडियो दोनों रिकॉर्ड होता है, और आवाज़ भी आप सुन सकते हैं इस स्मार्टफोन से, आप बात भी कर सकते हैं। इसमें 2-way कम्युनिकेशन है। तो अभी देखेंगे इस बल्ब को ऑन कैसे करेंगे, उसके लिए आपको मोड पे जाना है, वहाँ पे आपको लाइट कंट्रोल मिल जाएगा, वहाँ पे देखिए ऑन ऑफ एंड ऑटो है, ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो देखिए आप अपने मोबाइल फोन से भी इस बल्ब को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके बाद चलते हैं रिकॉर्डिंग सेटिंग्स पे, आपको बैक जाना पड़ेगा, और यहाँ पे जो ट्रिपल डॉट है उसमें क्लिक करना पड़ेगा, उसमें आपको सेटिंग्स मिल जाएगा। तो सेटिंग्स में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्डिंग सेटिंग्स है, देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है, इसको ऑन कर देंगे तो माइक्रो एसडी कार्ड में कंटिन्यूअस वीडियो रिकॉर्डिंग होता रहेगा। आप चाहे स्मार्टफोन से कनेक्ट करें या ना करें, ऐप को डाउनलोड करें या ना करें, माइक्रो एसडी कार्ड में कंटिन्यूअस वीडियो रिकॉर्डिंग होता रहेगा। और इसमें लूप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, मतलब जब मेमोरी कार्ड फुल हो जाएगा तब यह कैमरा ऑटोमेटिकली पुराना वीडियोज डिलीट करेगा और नया वीडियोज रिकॉर्ड करना शुरू करेगा। इसके अलावा इस कैमरा में एक बहुत ही अच्छा फीचर है, वो है अलार्म का, मतलब अगर इसके सामने कोई चोर आता है तो ये साइरन बजाएगा और उसको सुन के कोई भी भाग जाएगा। चलिए आपको दिखाता हूँ। तो फिर से आपको जाना है सेटिंग्स पे, तो यहाँ पे अलार्म सेटिंग पे जाना है आपको, तो अलार्म को ऑन करेंगे, अलार्म साउंड को ऑन करेंगे, तो अभी इसके सामने कोई भी हरकत होगा तो देखिए साइरन बज रहा है, इसको ऑफ करना पड़ेगा। तो जब भी कोई भी मोशन डिटेक्ट करेगा ये साइरन बजाएगा। तो आप इसको अपने गैरेज पे नहीं तो रूम के अंदर डाल दीजिए, अगर कोई चुपके से आपके रूम पे घुसेगा, आपके गैरेज में घुसेगा, तो ये साइरन बजाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। तो आशा करता हूँ सब कुछ आपको पता चल गया होगा। ये था ऑफलाइन सेटअप, अभी इससे जो वाईफाई निकल रहा है उससे ये स्मार्टफोन कनेक्ट है। आप इस कैमरा से ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं, 100 मीटर्स ऐसा जा सकते हैं, अगर ज़्यादा दूर चले जाएंगे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस कैमरा को ऑनलाइन कर देंगे तो डिस्टेंस का कोई लिमिट नहीं रहेगा, मतलब अगर आप इसको अपने घर पे इंस्टॉल करते हैं तो आप स्मार्टफोन से अपने दुकान ऑफिस से भी देख सकते हैं, चाहे जितना भी किलोमीटर दूर हो। मतलब अगर एक स्टेट में ये कैमरा है तब आप दूसरा स्टेट से भी अपने स्मार्टफोन पे वीडियो को देख सकते हैं, उसके लिए इसको ऑनलाइन करना पड़ेगा, इसको इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा, उसका भी ऑप्शन इसमें है। तो मैंने अभी होल्डर को ऊपर में फिट किया है,
वहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए सीलिंग पे मैंने फिट किया है, उसको आप खुद कर सकते हैं। आप उसमें कील ठोक सकते हैं, नहीं तो आप ऐसा पावर ड्रिल यूज़ कर सकते हैं। ये खदीजा का एक बहुत ही अच्छा पावर ड्रिल है और इसका दाम भी कम है, 1100 है। तो अगर आपको ये भी लेना है तो इसका भी बेस्ट बाय लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अभी यहाँ पे बल्ब कैमरा को फिट करते हैं। तो देखिए फिट हो गया है, अभी इसमें पावर को ऑन करना है। तो देखिए मैंने पावर दे दिया है। है ना ये कैमरा बहुत ही काम का, तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ। इसको लगाना भी बहुत आसान है, आपने तो ऑलरेडी देख लिया, और इसका सेटअप भी बहुत ही आसान है। तो अभी ऑर्डर कीजिए, इसको खरीदने का बेस्ट बाय लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, काम का लगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और इस तरह के यूजफुल प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी ही मिलते हैं एक दूसरे यूजफुल प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।